पंचकुला जिले के कालका नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्णलाल लांबा ने निर्दलीय प्रत्याशी को हजारों वोटों से शिकस्त दी है। अपनी जीत के बाद कृष्णलाल लांबा ने पूर्व विधायक लतिका शर्मा और समर्थकों के साथ खुशियां साझा की। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय शहर की जनता के अलावा पूर्व विधायक लतिका शर्मा के प्रयासों को दिया। कृष्णलाल लांबा ने कहा कि आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। चाहूंगा कि जो जीत है ये हमारे क्षेत्रवासियों की अपनी जीत है। उन्होंने मुझे बहुत ही उत्साह दिया, बहुत हौसला दिया और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की और हमारी बहन लतिका शर्मा के प्रयासों से ही ये जीत हुई है। मैं बहन जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। विकासों के विकास करेंगे, विकास के काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी बहन पार्टी को, बीजेपी पार्टी संगठन और बहन लतिका को। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कृष्णलाल लांबा की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टी और संगठन की जीत है। लोगों ने विकास को प्राथमिकता देकर भाजपा प्रत्याशी को जिताया है। जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, संगठन की जीत हुई है और लोगों के जो विश्वास की जीत हुई है। सभी भाई और बहनों ने, कालका वासियों ने भरसक हमारे को जीत दी है, विश्वास दिया है कि कालका में काम कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने करा और यही करा सकती है।